नमस्कार, मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं आज एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, वो कैब की रैपिड फायर सीरीज। इसमें आपके 50 क्वेश्चन हम देखेंगे विद इन टाइम, आपके 10 मिनट्स के अंदर। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है ल्योर। ल्योर का मतलब होता है किसी चीज को अट्रैक्ट करना या किसी चीज को एल्योर करना, यानी आकर्षित करना। तो आंसर आपका यहां पर अट्रैक्ट हो जाएगा। अमेंड का मतलब होता है किसी चीज को इंप्रूव करना या सुधार करना। क्वेश्चन नंबर टू, लग्जरियंट। लग्जरियंट मतलब कोई भी चीज ऐसा है जो पूरी तरीके से भरा पूरा है। सफिशियंट कह सकते हो, अबंडेंट कह सकते हो, फ्लुएंट कह सकते हो, लस यहां पर सही है। बैरन का मतलब आपका इनफर्टाइल, मतलब उपजाऊ जहां पर ना हो वो चीजें हो जाती है। मीगर का मतलब पॉसिटी या कमी, यानी या शॉर्टफॉल, जहां पर आपके कमी की बात होती है। मैसिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा विशाल हो, यानी ह्यूज, इमेंस, इनॉर्मस, गिगेंटिक। ध्यान रखेंगे ह्यूज यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है मिमिक का मतलब क्या होता है। मिमिक का मतलब होता है किसी को फॉलो करना या किसी की कॉपी करना, किसी की मिमिक्री करना, वही होता है आपका। कॉपी हो जाएगा, फॉलो करना या कॉपी करना, इसके सिनोनिम जाएंगे। ऑब्लिगेटरी का मतलब ऐसी कोई चीज जो आवश्यक हो, यानी नेसेसरी हो, उसे आप मैंडेटरी भी कह सकते हैं। मैंडेटरी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पेंचांट का मतलब होता है आपका किसी के प्रति इंटरेस्ट कितना है, यानी आप लाइकिंग क्या है, इंक्लिनेशन आपका, झुकाव कितना है, आपका फॉन्डनेस क्या है। लाइकिंग सही जवाब हो जाएगा। बिटरनेस का मतलब कड़वाहट, सोरनेस का मतलब खट्टापन। बात करते हैं प्लीजेंट के बारे में। प्लीजेंट ऐसी कोई चीज होती है जो रिफ्रेशिंग हो, आपको तुरंत एनर्जाइज्ड कर दे, आप में उसको लेकर के बहुत ज्यादा एनर्जी वाली फीलिंग आपको आए, रिफ्रेशिंग सही हो जाएगा। एग्जास्पिरेटिंग और आपके टायरसम, टेडियस, ये दूसरे सब इसके एंटोनिम कहलाएंगे। चलिए, पॉइग्नेंट का मतलब होता है सैड या टचिंग, ऐसी कोई चीज जो आपको टच कर जाए, दुखद या मार्मिक कह सकते हो, ये सही जवाब आपका ए हो जाएगा। बात कर रहा है प्रायोरिटी के बारे में, यानी आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपका प्रिसीडेंस क्या है। तो प्रायोरिटी और प्रेफरेंस आपका यहां पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पॉसिटी के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले देख लिया है। प्रोटेस्ट का मतलब होता है किसी चीज को ऑब्जेक्ट करना या किसी चीज को अपोज करना, यानी ऑब्जेक्ट यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। रेलिस का मतलब होता है किसी चीज को एक्चुअली में आप इंजॉय कर रहे हो, टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हो तो ध्यान रखेंगे आपका रेलिस हो जाता है, हैप्पीनेस, जॉय आपका एंजॉय हो जाएगा, यहां पे सही आंसर। बात करते हैं आपके रिप्रोच के बारे में। रिप्रोच का मतलब होता है किसी को डांटना या फटकारना, यानी बिरेट कह सकते हो, एडमोनिस कह सकते हो, स्कॉल्ड कह सकते हो, चाइड कह सकते हो, बिरेट यहां पे सही जवाब हो जाएगा। रिटेलिएट मतलब होता है किसी चीज को अपोज करना, रिएक्ट करना, या वेंडेटा मतलब उसके लिए रिएक्ट होता है, आपका सही जवाब यहां पर हो जाएगा। फैसिलिटेट मतलब किसी चीज को सुविधाजनक बनाना। रिवाइल का मतलब होता है किसी चीज की आलोचना करना या बेसिकली किसी के बारे में भला बुरा कहना, कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, यानी अब्यूज, सही जवाब हो जाएगा। इनसाइट का मतलब प्रोवोक हो जाएगा, इंस्टिगेट हो जाएगा, इंफ्यूरिएट हो जाएगा, ये सारे वर्ड के मतलब हो जाते हैं। स्कॉन का मतलब क्या होता है। स्कॉन का मतलब होता है हेट हो जाएगा, या आप किसी चीज से घृणा करते हैं वो हो जाएगा, कंडेम हो जाएगा, इन डिसडेन यहां पर सही वर्ड आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड बारे में बात करते हैं, स्लैक। स्लैक का मतलब होता है आप किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हैं, कमजोरी फील कर रहे हैं, आप टायरसम हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। फीबल हो जाए, आप में एनर्जी की कमी है, केयरलेस, रेकलेस, ये सब हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे, केयरलेस इसका आंसर हो जाएगा। लिवली और एक्टिव, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। सॉलेम का मतलब होता है सीरियस, या फिर पेंसिव, या फिर डिग्निफाइड, यानी कि इसका जवाब आपका डी हो जाएगा, ट्रिवियल और आपके फ्रिवलस या और पेटी, ये तीनों इसके एंटोनिम हो जाएंगे। चलिए, सस्टेन का मतलब होता है किसी चीज को मेंटेन रखना, किसी चीज को सपोर्ट करना, ठीक ना, या किसी चीज को यहां पे सपोर्ट मतलब बनाए रखना, सेंटेंस सस्टेन का होता है। विंडिक्टिव क्या होता है। विंडिक्टिव मतलब किसी से प्रतिशोध या बदला लेना, रिवेंजफुल या स्पाइटफुल सही आंसर हो जाएगा। एब्निगेशन का मतलब होता है किसी चीज का परित्याग कर देना, यानी कि आप रिजेक्शन की बात करेंगे, रिनाउंसमेंट की बात करेंगे, आंसर आपका ए हो जाएगा। एब्डक्शन का मतलब होता है छोड़ना किसी चीज को। चलिए, एब्यूज का मतलब होता है हार्म, किसी चीज को नुकसान पहुंचाना, किसी चीज का स्कॉर्न करना, मिसट्रीट करना किसी के बारे में, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। एक्विंट का मतलब होता है किसी चीज से फेमिलियराइज, यानी किसी चीज से परिचित होना या किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना। कंसील का मतलब हाइड करना होता है। अडाप्ट का मतलब होता है किसी चीज को मैनेज करना या किसी चीज को एडजस्ट करना, आंसर आपका सी हो जाएगा यहां पर। चलिए बात करते हैं एडिक्वेट के बारे में। एडिक्वेट का मतलब होता है एम्पल या प्लेंटीफुल, या फिर आप सफिशियंट कह सकते हो, सफिशियंट यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मीगर मतलब कमी, इसका एंटोनिम। एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब होता है राइवल या अपोनेंट आपका, कोई विरोधी या प्रतिद्वंदी, यानी राइवल यहां पर सही वर्ड हो जाएगा।
एलए का मतलब क्या होता है? एलए का मतलब होता है किसी चीज का हल निकालना, किसी चीज का सोल्यूशन कह सकते हो, मॉलिफाई कह सकते हो या रिलीव कह सकते हो, यानी किसी चीज में आराम मिलना। चलिए बात करते हैं आपके अमेंड का। अमेंड का मतलब किसी चीज को अमेंड करना, यानी किसी चीज को इंप्रूव करना, करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा। इंपेयर मतलब बर्बाद, और आपका वर्शन, ये दोनों आपके इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एम्पलीफाई मतलब क्या होता है? एम्पलीफाई मतलब होता है किसी चीज को एडवांस, यानी किसी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज करना या मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई इसका सही आंसर हो जाएगा। एंगर का मतलब रेत, क्रोध होता है, टेंपर होता है, फ्यूरी होता है, यानी आपका गुस्सा। अगोनी मतलब दुख या पीड़ा, शौरो कह सकते हो इसे। एनिहिलेट मतलब किसी चीज को जड़ से ही मिटा देना, डिस्ट्रॉय करना, इरेडिकेट करना, सब इसके मतलब हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब है। कह रहे एंटिसिपेट करना, किसी चीज को एंटिसिपेट करोगे ना, मतलब आप गेस कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, या किसी चीज के बारे में अनुमान लगा रहे हो, तो आंसर आपका इसका ए हो जाएगा। एंटीपैथी मतलब आपके लिए किसी चीज के लिए घृणा, यानी हेट कह सकते हो, अभोर कह सकते हो, एंटागोनिज्म कह सकते हो, यानी सही जवाब आपका सी हो जाएगा। कह रहा है अपैथी, अपैथी का मतलब किसी चीज के बारे में आपकी उदासीनता, स्टोइक कह सकते हो या लेदार्जिक कह सकते हो, आंसर आपका यही हो जाएगा। डल भी कह सकते हो इसे, एक तरह से डल भी कह सकते हो। यल मतलब चिल्लाहट होती है, क्राई। अप्रेज का मतलब किसी का मूल्यांकन करना, अप्रेज करना, किसी का, किसी के बारे में जज करना, यानी मूल्यांकन, एसेस इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्डुअस जॉब, यू डूइंग अ आर्डुअस जॉब, एन आर्डुअस जॉब मतलब आप बहुत ही अच्छा आर्डुअस जॉब करते हो, यानी कि क्या हो जाएगा, आप कर रहे हो बहुत ही बेहतर तरीके से, यानी स्ट्रेनुअस हो जाएगा, हार्डवर्किंग हो जाएगा, इंडस्ट्रियस हो जाएगा, पेनस्टेकिंग हो जाएगा, मेटिकुलस, स्ट्रेनुअस इसका सही आंसर है। अरोमा का मतलब होता है सुगंध, यानी सेंट बात कर देंगे, आंसर आपका सेंट हो जाएगा। स्टिंक का मतलब तो स्मेल हो जाता है, बदबू। चलिए एट्रोसिटी मतलब किसी भी चीज में अत्याचार, यानी क्रुएलिटी कह सकते हो, आपका बारबेरिटी कह सकते हो, आंसर आपका ये हो जाएगा। ग्लूमी का मतलब अंधकार होता है, ठीक है। एट्रीब्यूट मतलब किसी को एट्रीब्यूट देना, यानी क्वालिटी की बात होती है, मेरिट की बात होती है, यानी क्वालिटी, यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कह रहा बिग्यूआइल, बिग्यूआइल का मतलब होता है बेसिकली क्या करना, किसी को ललचाना, कैप्टिवेट करना, किसी को उसी ललचाने के हिसाब से उसे डिसीव करना, धोखा देना, कैप्टिवेट सही आंसर, या सड्यूस करना, आंसर आपका सी हो जाएगा। बेलिजरेंट का मतलब होता है बेलिकोज, या फिर क्वेरलसम, यानी लड़ाई, ऐसा आदमी जो बेलिजरेंट होता है, लड़ाई करने वाला होता है, एंटागोनिज्म, ध्यान रखेंगे। बेनेवोलेंस का मतलब होता है आपकी दयालुता, आपका परोपकारिता, यानी कि आपका आंसर यहां पे सी हो जाएगा। सीवियरिटी का मतलब सीरियस, मैलवोलेंस मतलब हेट हो जाता है। बाइंड का मतलब होता है किसी चीज को टाई करना या टाइटन करना, बांधना बेसिकली, ध्यान रखेंगे। चलिए ब्लिस्टर का मतलब होता है घाव, यानी जिसे हम वुंड कह सकते हैं, और इसे ब्यूला भी कह सकते हैं, ध्यान रखेंगे। बोन होमी का मतलब होता है किसी चीज में आपका फ्रेंडलीनेस कैसा है, आपका मित्रवत व्यवहार, हार्मोनी, अकॉर्ड, कॉनकॉर्ड, एमिएबल, एमिकेबल, सब इसके मतलब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रिस्क मतलब आप किसी चीज में कितना क्विक हो, कितना फास्ट हो, ये आप कितना अलर्ट हो, ये सब मतलब हो जाएगा। आइडल मतलब डल हो जाता है, एकदम बिल्कुल एक तरह से सुस्त पड़े रहो। स्टेल मतलब बासी, रैंसिड हो जाएगा। बस्टल का मतलब होता है रश, बहुत ज्यादा तेजी में, हेस्ट या क्विक कर रहना, ध्यान रखेंगे आंसर आपका यहां पे रश हो जाता है। चलिए 47 नंबर कह रहा है कैरोज का मतलब होता है ऐसी कोई चीज, मतलब जिसपे आप किसी को इनवाइट कर रहे हो दावत के लिए, ठीक ना, किसी को इनवाइट करना, आमंत्रित करना, ध्यान रखेंगे। क्वाफ इसका सही मतलब हो जाएगा। ओवरलुक और इग्नोर का मतलब अनदेखा करना होता है। सर्टेन का मतलब होता है डेफिनेट, ऐसी कोई चीज डेफिनेट या श्योर हो आप किसी चीज को लेकर के, श्योर यहां पर सही जवाब है। चाइल्ड मतलब होता है किसी को डांटना या फटकारना, यानी रिब्यूक आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। बिरेट और स्कोल्ड को आपने देखा। फ्लैटर का मतलब चापलूसी करना। तो ये आज आपके 50 वर्ड्स रहे, इसी तरीके के और 50 वर्ड्स मैं लेकर के आऊंगा, लगातार आपको क्लासेस ये मिलती रहेंगी, जिससे कम समय में आप मैक्सिमम वर्ड्स को रिवाइज कर सकें। चलिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।